अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अज़ीज़ तरकारी। चलिए आज मैं आपको मछली की डिश बनाना बताती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये डिश बनाऊंगी मैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो बाड़स मछली ली हुई है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले नींबू नमक मिलाकर रख दिया था अच्छे से धोकर। और फिर मैंने मसाले लिए हैं, यहाँ पर मैंने 50-50 ग्राम लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 मीडियम प्याज लिए, इसे ग्राइंड कर लिया है। 3 चम्मच धनिया, 2 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और कुछ मेथी के दाने हैं। चलिए देखिए, मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया। इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। यहाँ मैं बड़ी चम्मच से 3 चम्मच तेल डालूंगी। तेल को मुझे अच्छी तरीके से गर्म करना है। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मेथी से बघार लगा देंगे। फिर हम इसमें सबसे पहले पूरा मसाला नहीं डालना है, हमें पहले पिसा हुआ जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डालना है। देखिए, हम यहाँ पर पूरा पेस्ट कढ़ाई में डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। एकदम से सूखे मसाले साथ में नहीं मिक्स करना है। हमारा मसाला इतना भुन जाना चाहिए कि ब्राउन कलर में आ जाए, तभी हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, फ्राई हो चुका है। इसे अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल मछली बनाई है मैंने, कुछ ज़्यादा इसमें मसाले नहीं लिए हैं मैंने, कुछ अदर्स नहीं डाला है। देखिए, अब इसको अच्छे से भूनना है सभी को मिक्स करते हुए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये मसाला हमारा इतने अच्छी तरीके से भुन चुका है, मतलब तरी ऊपर आ गई है तो समझिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें मछली ऐड करेंगे, जिसमें मैंने पहले से नमक मिलाकर रखा था, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार और मसाले में डाल सकते हैं। अब इस मछली को मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिलाऊँगी धीरे धीरे, ताकि हमारी मछली टूटे ना। देखिए, हमारी मछली अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है मसाले में। अब हम इसे 10 मिनट के लिए मसाले में ही फ्राई करेंगे। फिर इसमें पानी डालकर शीरा करेंगे। शीरा ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, मीडियम शीरा ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, ताकि मछली का अरक शीरे में उतर जाए। देखिए, अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। पूरा ढक्कन कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा ढक्कन छोड़ कर इसे पकाएँगे हम। जैसे कि मैंने आपको मछली के विटामिन्स प्रोटीन के बारे में पिछली वीडियो में बताया है, इसलिए मछली हमारे शरीर के लिए बहुत ही मुफीद है, खाना चाहिए, अच्छी लगती है, टेस्टी भी रहती है। देखिए, अब मैं इसे पका रही हूँ। कितनी अच्छी तरीके से हमारी मछली पक चुकी है। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला भी ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से इसे धीरे धीरे मिक्स कर दूँगी। ज़्यादातर लोग मछली खाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि मछली खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, मेरी मछली की रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही लजीज मछली बनी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।